बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा बेहद मज़ेदार समर सीजन एनर्जी ड्रिंक, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने साबूदाने को बॉयल करना है, तो खुले बर्तन में हम डालेंगे 5 से 6 गिलास पानी। अब साथ इसके हम डाल देंगे 1 छोटा कप साबूदाना। अब इसको हमने दरमियानी आँच पर इतना पकाना है कि ये पकते पकते जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो देखें यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि फुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है और इसे छलनी में डाल के इसका जो सारा पानी है ना हमने ड्रेन ऑफ कर देना है। ड्रेन ऑफ करने के बाद इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डालना ताकि जल्दी से ये ना ठंडा हो जाए। तो देखिये जी, पानी इसके ऊपर हमने डाल दिया। अब इसका सारा पानी हम ड्रेन ऑफ करके इसे हम किसी बॉल में डाल के फ्रीजर में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम अपना अगला काम करते हैं। तो पैन में हम डालेंगे 1 छोटा कप पानी। पानी में जब अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो साथ ही इसके हम डाल देंगे जेली। यहाँ पर ये जो जेली है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना। जब जेली पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगी फिर हमने चूल्हे को बंद कर देना और फिर इसे जो है ना हम इस तरह के मोल्ड में डालेंगे। अगर तो आपके पास ये वाला सिलिकॉन का मोल्ड नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप किसी बॉक्स वगैरह में भी डाल सकते हैं। इससे जो है ना जेली की शेप जो है बहुत प्यारी बनती है। तो बस इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और जो बाकी की बच जाएगी उसे हम किसी बॉक्स वगैरह में डाल लेंगे। तो बस अब ये जो बचगी इसे हम इस तरह के बॉक्स में डालेंगे, फिर इसे हमने फ्रिज में रखना 10 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए। तो देखिए जी, 10 मिनट के बाद जेली हमारी ठंडी होकर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब इसे जो है मोल्ड आउट करते हैं। तो देखिए कितनी जबरदस्त जो है इसकी शेप बनी है। तो बस अब ये जो बॉक्स वाली है इसको हमने जो है इस तरह से छुरी से पहले कट लगा रहे, फिर इसके जो हमने छोटे छोटे से जो है वो पीसेस कर लेने। तो बस अब इसे हम साइड पे करते हैं। फिर से पैन में डालेंगे 1 कप पानी। पानी में जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम डालेंगे जेली। यहाँ पर जो हमने जेली ली है ये मैंगो फ्लेवर में, अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है तो आप वो वाला भी ले सकते हैं। तो बस अब इसे भी हमें उसी तरह से तैयार करना है। तो बस देखिए जी, जेलियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा बॉल लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे फुल ठंडा दूध 1.5 लीटर। दूध आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए दूध कितना ज्यादा ठंडा है कि ये जमा हुआ। अब साथ इसके हम डाल देंगे हसबे जायका जामे शीरी, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। तो दूध हमने इसमें इसलिए इतना ज्यादा ठंडा और फ्रीज हुआ हुआ लिया ताकि जब इसके अंदर हम चीजें मिक्स करें तो दूध गर्म ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो चीजें डालते डालते जो है ना दूध गर्म हो जाता, तो इसलिए जो है ना हमने इसको इतना ठंडा करके डाला। अब साथ इसके हम डाल देंगे साबूदाना। तो देखिए यहाँ पर साबूदाना भी बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज हो चुका है। जब इसको हम डालेंगे तो फौरन से जो है ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बस अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये खोलना शुरू हो चुका है। अब साथ इसके हम डाल देंगे जेली जो कि हमने बनाकर रखी हुई थी। जेली डालने के बाद इसको हमने बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने हल्का हल्का सा ही मिक्स करना है। तो देखिए अभी से ये कितना जबरदस्त लग रहा है। तो बस अब सबसे आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से बादाम, पिस्ते और काजू जिन्हें हमने बारीक बारीक सा कट कर लिया था, तो इससे जो है फ्लेवर और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बस अब इसको हमने हल्का सा मिक्स करना है। यकीन जाने जो बच्चे दूध नहीं पीते, जब उन्हें आप इस तरह का बनाकर पिलाएंगे ना तो आपसे बार बार मांगेंगे, ये इतना मजेदार बना। तो देखिए देखने में भी ये कितना कलरफुल है। तो बस अब इसे हम ग्लासों में डालते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप उसे इस तरीके से अगर बनाकर पिलाएंगे ना तो यकीन जाने वो आपसे तरीका पूछेगा कि ये आपने किस तरह बनाया। तो तैयार है जी बेहद मजेदार ठंडा ठंडा सा हमारा समर सीजन एनर्जी ड्रिंक, आपने इसे जरूर ट्राई करना है। तो देखिए देखने में भी ये कितना कलरफुल लग रहा है। बच्चों को बनाकर आप देंगे ना तो बच्चे आपके खुश हो जाएंगे। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।